डियर स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड लेक्चर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, या इसको हम जनरली लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसके पहले जो दो लेक्चर हमने कवर किए उसमें इंट्रोडक्शन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर दिया है। आज हम इम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा कंटेंट है इम्पल्स। हम डिस्कस करेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे फिजिकल लाइफ में जहाँ पे इम्पल्स का यूज़ होता है, और कुछ न्यूमेरिकल जो इम्पल्स के फंडामेंटल को समझने में आपका हेल्प करेंगे। ऐसे हम कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप मुझसे यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। एंड लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सबसे पहले देखते हैं कि इम्पल्स होता क्या बच्चों, और ये आता क्यों है, क्या होता है इम्पल्स एग्जैक्टली। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ कि अगर कहीं पे एक्सेलरेशन है, दैट्स मीन कि वहाँ पे क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अगर बच्चों कहीं पे एक्सेलरेशन है मतलब वहाँ की वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है दैट्स मीन उसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा। पी मतलब क्या होता है बच्चों, एम वी होता है। एम तो कॉन्स्टेंट है बट वी तो वेरिएबल है। तो अगर वहाँ पे एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है तो हमारा पी भी चेंज होगा बच्चों। यही फंडामेंटल है इम्पल्स का। द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। नेट फोर्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में प्रोड्यूस करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इम्पल्स कहते हैं। सिंपली हम कहें तो ये क्या होता है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। इम्पल्स इज नथिंग बट अ चेंज इन मोमेंटम। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होती है चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में ही होती है। सेकेंड चीज, इम्पल्स की जो यूनिट होती है वो भी मोमेंटम की यूनिट होती है। दैट्स मीन कि एम वी, एम मतलब मास, वी मतलब एल, टी के पावर माइनस वन, ये यूनिट होती है। इम्पल्स की भी यही होती है। इम्पल्स बच्चों सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, रादर देन कि हम उसको ये कहते हैं कि दिस इज द डिग्री एट विच द नेट एक्सटर्नल फोर्स विल चेंज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये से हम मेजर करते हैं, बट ये प्रोनाउंस करता है, ये साउंड करता है कि ये हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी लग रही है, बट ये हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इम्पल्स की इंटेंसिटी को समझने के लिए बच्चों आप सपोज कर लो कि कोई फोर्स है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आप पे एक्ट हुआ, अगर वही फोर्स एक लॉन्ग टाइम के लिए लग रहा है तो दोनों की जो इंटेंसिटी होती है बच्चों वो अलग अलग होती है। दोनों का जो इम्पैक्ट होता है आपके हो तो अलग अलग होता है। जैसे सिंपली हम बात करें तो आप कभी क्रिकेट खेलो और बॉल को आप कैच करो तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली नीचे आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना इसको थोड़ा वो टाइम देता है कि बहुत शॉर्ट टाइम में अगर ये रेट ऑफ चेंज मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंट जीरो हो जाएगा बहुत शॉर्ट टाइम में तो जो फोर्स होगा आपके हाथ पे ज़्यादा लगेगा। तो आप थोड़ा इसको टाइम देते हो कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो थोड़ा टाइम में हो, तुरंत ना हो, बहुत इंस्टेंटली होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इससे आपको क्या मिलता है, हेल्प मिलता है, आपके हाथ पे जो इम्पैक्ट होता है उसका वो कम होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल था आपको इम्पल्स को फील करने के लिए, इम्पल्स को फील करने के लिए। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इम्पल्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल टर्म में। अभी इन्होंने कहा कि जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स को अगर हम एफ से देखें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय द टाइम। या सिंपली हम ये कहें तो स्टेटमेंट के हिसाब से कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो नेट फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज डेल्टा एफ इंटू डी टी, वेरी सिंपल। तो ये हमारा रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है हमारे इम्पल्स में और फोर्स में। इसी को बच्चों हम इम्पल्स कहते हैं। दिस इज नथिंग बट अ इम्पल्स, दिस इज द इम्पल्स ऑफ द पार्टिकल और सिस्टम वॉट एवर दैट। इसको थोड़ा सा आप और एक्सटेंड करना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सपोज इंटीग्रेट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए और ये हमारा नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस इज डी टी। टाइम हम ले लेते हैं इनिशियल, फाइनल टाइम ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, इनिशियल पे मोमेंट हमारा क्या रहेगा, इनिशियल रहेगा। तो यहाँ पे हम इनिशियल मोमेंट को सपोज पी आई लिख देते हैं और ये हमारा फाइनल मोमेंट है तो इसको हम पी एफ लिख देते हैं। तो यहाँ हमको मिलेगा पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू टी इनिशियल टू टी फाइनल समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ मतलब दिस इज द नेट फोर्स
एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। आपको पता है फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन इसका रिजल्टेंट हम वेक्टर के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा बच्चों फाइनल मूवमेंट है किसी भी पार्टिकल का। दिस इज द फाइनल मूवमेंट, दिस इज द फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, दिस इज द इनिशियल मोमेंट। ओके, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम। अब आप देखा होगा यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो ये सिंपली क्या है, एफ इंटू टी है। तो अगर इसको हम फोर्स और टाइम के, फोर्स और टाइम के एक्सिस में प्लॉट कर दें तो ये आपको इम्पल्स क्या देगा, एरिया ही तो देगा ना। इफ दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय द फोर्स एंड दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय टाइम, सपोज इस तरीके से हमारा मोमेंटम एक्ट होगा, तो ये पूरा एरिया क्या देगा आपको, एफ टी देगा। दिस इज एफ डेल्टा टी। तो अगर ये एफ टी दे रहा है, इंटीग्रेट कर दो क्योंकि वेरिएबल है ना, तो एफ डेल्टा टी देगा। तो ये किसके बराबर है बच्चों, इम्पल्स के, इसको हम आई भी कहते हैं। इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो हम एक एवरेज का फंडामेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे सपोज ये हमारा फोर्स है, ये हमारा टाइम है, इस तरीके से चेंज हो रहा है इम्पल्स हमारा। तो हम यहाँ पे दिस इज द इनिशियल टाइम एंड दिस इज द फाइनल टाइम, तो दिस इज द टी आई एंड दिस इज द टी एफ। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। और ये जो एरिया, ये जो रेक्टेंगल की एरिया है, दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस वेरिएबल सेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो है ये, इसे हम कहते हैं एफ एवरेज। तो ये फंडामेंटल भी कभी कभी यूज होता है, दिस इज द एफ एवरेज। और यहाँ का जब आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना होता है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हो जो इसके पहले हमने लिखा था। तो टी इनिशियल टी फाइनल, अगर वेरिएबल के लिए आप लिखते हो तो टी इनिशियल टी फाइनल एफ डेल्टा टी, समेशन ऑफ एफ डेल्टा टी फाइनल या रिजल्टेंट फोर्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये हो गया बच्चों इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इम्पल्स इज नथिंग बट अ चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज द नथिंग बट अ चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है इंपल्स से रिलेटेड। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास, मास इज गिवन टू यू, हिट द वॉल एट इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज गिवन टू यू। आपसे पूछा क्या है, द कोलिजन लास्ट इन 0.1 सेकेंड, तो फाइंड आउट द इंपल्स कॉजेज कोलिजन एंड एवरेज फोर्स। बच्चों अगर आपको इंपल्स फाइंड आउट करना है आई, तो आपके पास क्या होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेरी सिंपल, मास आपको दिया गया है दैट इज 0.5, फाइनल वेलोसिटी बच्चों आपको क्या दिया गया है, दैट इज 5.0 माइनस, माइनस है, माइनस दिया गया, माइनस 20 दिया गया है आपको, तो माइनस 20 दिस इज इक्वल टू द चेंज इन इंपल्स, सॉरी दिस इज इक्वल टू द इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द 0.5 मल्टीप्लाई बच्चों ये 20 है और ये क्या है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 12.5 आ जाएगा। तो दिस इज द 12.5 केजी मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स बच्चों। अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स आपको पता है एफ इजक्वल टू, अभी आपने फाइंड आउट किया है एफ इजक्वल टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, आपने मोमेंटम इजक्वल टू क्या लिखा था, एफ डी टी लिखा था। तो यहाँ से आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, कितना ही आपने फाइंड किया चेंज इन मोमेंटम 12.5, कितना सेकंड के लिए एक्ट हुआ है 0.1। तो देख रहे हो फोर्स की वैल्यू कितना बढ़ी, जितना ये टाइम कम रहेगा सेम चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगा बच्चों। सपोज ये 0.1 सेकंड के लिए लिखा 0.01 के, तो सीधा 10 टाइम हो जाएगा ना। आप देखो इंटेंसिटी जो फोर्स की होगी वो कितना बढ़ जाएगी बच्चों। हम प्रेशर जैसे पढ़ते हैं ना, प्रेशर को भी हम कहते हैं ना फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे भी देखो फोर्स टाइम के हिसाब से वेरी हो रहा है, यहाँ पे फोर्स एरिया के हिसाब से वेरी होता है दोनों फोर्स ही एक तरह के ये फोर्स हैं, इनका नेचर फोर्स का है, बट दोनों का जो वेरिएबल, वेरिएबल्स है जो दोनों का रीजन है चेंज होने का वो अलग है, एक जगह एरिया है एक जगह टाइम है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि टाइम जितना तेजी से चेंज होगा, इम्पल्स हमारा जो इम्पल्स होगा या फोर्स ड्यू टू द इम्पल्स होगा या चेंज इन मोमेंटम होगा वो बच्चों अलग अलग होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 125 न्यूटन, वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या होता है जो हमने अभी पढ़ा है। बच्चों आपने इसका यूज घर में जरूर किया होगा, लिक्विड जेट स्टार्टिंग स्ट्राइकिंग अ वर्टिकल वॉल नॉर्मली। आपको कभी वॉल धोना हो तो ऑब्वियसली जब आप ऊपर हिट करते हो, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा,
अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप इतना आपकी हाइट है, यहाँ पे आप खड़े हो नॉर्मली, तो परपेंडिकुलर इस पे एक्ट होता है। हाँ, आपको अगर इधर करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो भी हम केस स्टडी करेंगे। पहले हम नॉर्मली सपोज करो ये वॉल को नॉर्मली स्ट्राइक करता है, जहाँ पे जेट जा रहा है उसकी उतना हाइट है, आप सीधा परपेंडिकुलरली आप वॉल पे हिट करा रहे हैं इसको। होगा क्या बच्चों, देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी है जो वॉल को हिट करेगी। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें एक्स डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कुछ है नहीं, फिर क्या करेगा ये वाई डायरेक्शन में यहाँ से बाहर निकल जाएगा स्मूथली, जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से। अगर वॉल में कुछ फ्रिक्शन है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सेम वेलोसिटी से वापस निकल जाएगा। अब हमको बच्चों फाइंड आउट करना है फोर्स कितना एक्ट करे, कितना फोर्स एक्ट किया एक्स डायरेक्शन में, जितना मोमेंटम में चेंज होगा वही, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दिए थे, अब उसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ उतना ही इस दीवार पे फोर्स लगेगा। तो अगर हमको बच्चों फोर्स फाइंड आउट करना है तो हमको पहले चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चेंज इन पी मतलब चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेल्टा एम, मतलब यहाँ पे मास है ना, तो मास, तो मास फ्लो रेट की बात करेंगे हम, अभी मास फ्लो रेट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा मास ले लेते हैं, छोटा सा मास डेल्टा एम ले रहे हैं हम, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल वेलोसिटी, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वेरी सिंपल। फाइनल क्या है बच्चों, जीरो है, इनिशियल क्या है वी है, तो यहाँ पे सॉरी ये एम है, तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस डेल्टा एम वी। ये क्या बच्चों मोमेंटम है, किसके मोमेंटम में चेंज हुआ है बच्चों, हमारे जेट के, वाटर जेट के मोमेंटम में चेंज हुआ है। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन का नाम आपने सुना है तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपको पता है, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम के लिए मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। यहाँ पे सिस्टम कौन है, जेट है एंड वॉल है, ये दोनों स्टार्टिंग में क्या है स्टेशनरी है, कोई मोशन नहीं है इनमें, कोई वेलोसिटी नहीं है। तो अगर इनिशियल हम बात करें, इनिशियल दोनों का मोमेंटम क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, तो फाइनल मोमेंटम भी दोनों का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा पी ऑफ जेट प्लस डेल्टा पी ऑफ वॉल इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल जीरो है तो फाइनल जीरो होगा, ये फाइनल हो गया दोनों का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा पी ऑफ वॉल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ऑफ जेट, और जेट का हमने ये फाइंड आउट किया है, तो डेल्टा पी ऑफ वॉल को यहां से आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम वी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वॉल पे ये जेट कितना फोर्स अप्लाई किया। अगर आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, तो एफ इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी ऑफ वॉल हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा पी की वैल्यू अगर आप लिखो तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाई डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन सपोज कर लो। डेल्टा एम जो है एलिमेंट्री मास है, और डेल्टा टी क्या है, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम है। तो ये क्या होगा बच्चों, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी मतलब मास फ्लो रेट दिखा रहा है ना आपको, पर सेकेंड में कितना मास फ्लो रेट हो रहा है वही दिखा रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं मास फ्लो रेट बच्चों क्या होता है, मास फ्लो रेट को रो ए वी, यहाँ पे रो क्या है डेंसिटी, अभी मैं बताता हूँ आपको, और एक वी पहले से था, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, और इतना ही फोर्स आपके वॉल पे एक्ट होगा। ये बच्चों रो क्या है डेंसिटी है, रो इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ फ्लूड, डेंसिटी ऑफ फ्लूड। ये क्या है बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, किसकी हमारे जेट की, हमारे जेट की क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्योंकि ये पूरा क्या है रो ए भी क्या है मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट मतलब मास फ्लो चेंज, चेंज ऑफ मास पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ मास पर यूनिट टाइम है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी क्या है वेलोसिटी है इसकी, किसकी लिक्विड की या फिर जेट की वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं वी इज द वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया कि कोई जेट अगर इसको स्ट्राइक करेगा वॉल को तो कितना फोर्स वो अप्लाई करेगा, दैट इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, अगर आप मैकेनिकल या सिविल से पढ़ते हो, मैकेनिकल या सिविल से पढ़ते हो, तो यहाँ पे इसका पूरा फंडामेंटल ही आपको पढ़ाया जाएगा। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं ना हमारे, जो नदी पे डैम बना के करते हैं, वो इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। हमारा जेट आता है टर्बाइन, ये जो वॉल है इसके जगह पे टर्बाइन होती है, टर्बाइन को स्ट्राइक करता है, टर्बाइन रोटेट करती है, जनरेटर रोटेट करता है, जब जनरेटर रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, वहाँ से करंट जनरेट होती है और सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप उसको डिटेल में पढ़ोगे, अलग अलग टाइप्स भी पढ़ोगे, अगर जो हमारी बेंच है वो रोटेट कर रही हो, किस एंगल पे स्ट्राइक करना चाहिए, सारी चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके लेवल का है कि अगर सपोज करो वो नॉर्मली ना स्ट्राइक करके किसी एंगल पे स्ट्राइक करे तो चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चों, अगर ये नॉर्मली स्ट्राइक नहीं कर रहा है, अगर किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सिमिलर प्रॉब्लम है, आपको पहले डेल्टा एक्स किस डेल्टा एक्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में, डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सपोज करो बच्चों इसको थोड़ा सा डायरेक्शन हम इस तरीके से ले लेते हैं, ये डायरेक्शन को आप क्लोज कर दो, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं ना, हम ले लेते हैं इधर से इनपुट हमारा, थोड़ा आपको समझने में हैबिचुअल है ना हम इस डायरेक्शन के, थोड़ा आपको समझने में सही रहेगा, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में हमने इधर से स्ट्राइक किया, इधर जा रहा हमारा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको थोड़ा आगे करके हमको करना पड़ता है, बट यहाँ पे हमारा डायरेक्टली हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, तो इधर हमारा क्या जाएगा बच्चों, वी कॉस थीटा, इधर वी कॉस थीटा जाएगा, ये वेलोसिटी इधर जा रही है तो सिंपली ये वेलोसिटी इधर जा रही है तो इधर वी कॉस थीटा हो गया। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करो, फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल इधर जा रहा है तो फाइनल इस डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी, इधर क्या आएगी, ये एंगल कितना है थीटा है, तो इधर क्या आ जाएगी, वी कॉस थीटा, ठीक है, वी कॉस थीटा, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स डायरेक्शन की बात करें बच्चों, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स डायरेक्शन, तो फाइनल वेलोसिटी अगर आप डेल्टा एम ले लेते हो मास, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी माइनस वी कॉस थीटा माइनस, ये क्या है, वी कॉस थीटा है, पॉजिटिव रहेगी तो ये हो जाएगी वी कॉस थीटा। तो सिंपली अगर आप बात करो तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा एम वी कॉस थीटा और माइनस साइन आगे लग जाएगी। तो ये एक्स डायरेक्शन की है, दिस इज फॉर द एक्स डायरेक्शन। बच्चों अगर वाई डायरेक्शन की बात करो तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, ये कॉस थीटा होगा, तो फाइनल वाई डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं वी साइन थीटा। यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाई डायरेक्शन में वी साइन थीटा। तो अगर आप डेल्टा वाई इन एक्स वाई एक्सिस की अगर बात करो तो वाई एक्सिस में डेल्टा एम लिख देते हैं मास की वैल्यू, और यहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो दोनों में वेलोसिटी क्या है, वी साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगी, वी साइन थीटा माइनस वी साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो जो फोर्स आएगा वो एक्स डायरेक्शन की वजह से आएगा। अभी हमने पढ़ा है बच्चों ये क्या है, जेट का है। अगर हम वॉल का फाइंड आउट करें, ये एक्स किसका है, जेट का है, जेट की वेलोसिटी लिया था ना हमने, तो ये सिंपली जेट का कह सकते हो आप। अगर हम वॉल का फाइंड आउट करें बाय द मोमेंटम कंजर्वेशन, तो डेल्टा पी एक्स ऑफ वॉल का अगर बात कर लो आप, तो वॉल का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन आगे मैंने आपको बताया है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम वी कॉस थीटा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। तो सिंपली पहले जैसे ही फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू रख दो 2 डेल्टा एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फिर से बच्चों डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, रो ए वी हो जाएगा, मैंने बताया मास फ्लो रेट होता है वो, तो दिस इज द 2 मल्टीप्लाई मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, रो ए वी, और एक वी पहले से है तो वी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा तो है ही हमारे पास। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है अभी 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, दिस इज द फोर्स ऑन द वॉल, दिस इज द फोर्स एक्ट बाय द जेट ऑन द वॉल। तो ये आपको फोर्स मिल गया बच्चों, इस पहले टर्म में अगर नॉर्मली एक्ट करेगा तो कितना था, रो ए वी स्क्वायर, जब किसी एंगल पे एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, टू रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। वेरी सिंपल, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मली एक्ट कर रहा है, विंड विद द वेलोसिटी इज गिवेन टू यू, ब्लो नॉर्मली अगेंस्ट वन वॉल ऑफ हाउस विथ एन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल इफ द एयर मूव पैरेलल टू द वॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग। डेंसिटी आपको दिया गया है बच्चों, सिंपल है, एफ इक्वल टू अभी आपने क्या किया, नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो रो ए वी स्क्वायर ना, रो की वैल्यू दिया गया है 1.2, ए की वैल्यू आपको दिया गया है एरिया दैट इज 150, पूरे वॉल, देखो ये पूरा वॉल है, यहाँ पे जेट नहीं है बच्चे, यहाँ से एयर आएगी तो यहाँ पे ये पूरा एरिया, वहाँ पे जेट था तो जेट के एरिया लिए, यहाँ पे तो पूरे वॉल पे एयर स्ट्राइक करेगी ना,
तो हम पूरे वॉल की एरिया लेंगे। तो रो ये वी स्क्वायर होता है बच्चों, इसको आप चेंज कर लेना, तो दिस इज 150 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 360 का स्क्वायर। तो रो ए वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5.625 10 टू द पावर 5 न्यूटन, इतना फोर्स हमारे वॉल पे एग्जर्ट होगा। सिंपल, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, 3.0 मतलब 3 kg स्टील बॉल स्ट्राइक द वॉल विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस इफ बाउंस ऑफ विद द सेम वेलोसिटी एंड द सेम एंगल, उसी एंगल से बाउंस हो जाता है। इफ द बॉल इज कॉन्टेक्ट विद द वॉल इज 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाई द वॉल ऑन द बॉल या फिर बाई द बॉल ऑन द वॉल, दोनों में बच्चों सेम होगा, एक्शन एंड रिएक्शन केवल डायरेक्शन में डिफरेंस होगा। तो सिंपल है, क्या कह रहे हैं ये कि कोई बॉल आती है, कोई बॉल आती है, सपोज ये बॉल आई बच्चों, ये थोड़ा सा आपके उससे डिफरेंट है जो अभी हमने पढ़ा है। ये हमारी बॉल आई, इसकी कुछ वेलोसिटी है, कितना है, 10 है वेलोसिटी, यहाँ पे भी 10 से ये बाउंस की गई, सरफेस के साथ ये एंगल बनाती है 30, तो ये एंगल भी कितना बनाती है 30 बच्चों। वेरी सिंपल, अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगी वैल्यू। अगर बच्चों ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा, वेरी सिंपल। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे ले लो, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये पूरा 90 है तो 30, आप इस पर भी कर सकते हो 60 लेके भी कर सकते हो, बट 30 दिया तो हम 30 लेके करते हैं। तो अगर हम 30 की बात करें तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी बच्चों, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की हम बात करें इनिशियल, तो हम बात कर रहे हैं v ऑफ x इनिशियल कितना हो जाएगी बच्चों, v साइन थीटा, दिस इज v साइन थीटा, v साइन थीटा। अगर हम बच्चों v y एक्सिस इनिशियल की बात करें तो क्या हो जाएगी बच्चों, v cos थीटा, ये v cos थीटा हो जाएगी, तो दिस इज द v cos थीटा। अगर बच्चों फाइनल की हम बात करें तो v x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे ये एंगल कितना है बच्चों 30 है, तो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा v sin 30, तो ये फिर से v sin 30 हो गया बच्चों, v sin 30 बट माइनस साइन, ध्यान देना है इस डायरेक्शन में आएगा तो माइनस, ये ऊपर गया तो प्लस, यहाँ पे भी ऊपर जाएगा तो v ऑफ y की बात कर लो आप फाइनल, तो दैट इज इक्वल टू v cos 30। मैं थीटा लिख रहा हूँ बस, थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 30 है, थीटा इज इक्वल टू 30 है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर आप चेंज ऑफ मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में फाइंड आउट करोगे तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी वी साइन थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी साइन थीटा मल्टीप्लाई बच्चों किसके, मास के, तो एम कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2m वी साइन थीटा, ये आ जाएगी हमारी चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अगर बच्चों चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाई डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी कॉस थीटा, तो एम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है वी कॉस थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी कॉस थीटा है, तो दिस इज वी कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमको जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो हो गया। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में ये किसका हमने फाइंड आउट किया, बॉल का फाइंड आउट किया, तो वॉल का फाइंड आउट करना है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, बस यही चेंजेज होगा। अगर बच्चों आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई टाइम डेल्टा टी, जो भी आपको देना है दिया हुआ है, 2 मास कितना दिया है बच्चों 3, वेलोसिटी कितना दिया है 10, साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो दिस इज 1 हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 हो जाएगा बच्चों, ये कितना टाइम कितना दिया आपको 0.1 सेकेंड के लिए, तो 0.1 सेकेंड के लिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 और ये 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 300 न्यूटन, कितना फोर्स लग रहा है बच्चों 300 न्यूटन, दिस इज द फोर्स, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों ये जीरो हो जाएगा, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो,
क्योंकि जो मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में, चेंज इन मोमेंटम वो क्या है, जीरो है, तो कोई इंपल्स वर्क नहीं करेगा। एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है, एक्स डायरेक्शन में इंपल्स है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में हमको उसकी वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा जो मैंने आपको पहले बताया भी है, अ क्रिकेटर मूव हिज हैंड बैकवर्ड व्हेन होल्डिंग अ कैच। इसका क्या मतलब है, हमने पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी बाई टी बच्चों, यही होता है। अब डेल्टा पी क्या है, बॉल की वेलोसिटी, इधर से बॉल आ रहा है, सपोज इसकी वेलोसिटी है बच्चों कुछ 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, काफ़ी तेज आ रहा है ना, थोड़ा कम आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम। तो ये इस स्पीड से आ रहा है बच्चों, अब आप इसको पकड़ोगे, अगर मान लो आपने इसको 0.1 सेकेंड में पकड़ लिया तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई 0.1, फोर्स कितना ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा टाइम देते हो, आप इसको डेल्टा पी मान लो आपने 60 सेकेंड में पकड़ा, 60 सेकेंड टाइम दिया उसको, 60 सेकेंड टाइम कैसे दोगे आप, अपने हाथ को नीचे करके, अपने हैंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा के, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, आपको फोर्स कम मिलेगा। तो जितना टाइम दोगे आप सेटल होने के लिए या फिर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल को रोकने के लिए, उतना ही आपके हाथ पे फोर्स कम लगेगा। इसलिए क्रिकेटर क्या करते हैं, जब कैच पकड़ते हैं तो वहीं पे अपने हैंड को रोकते नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आते हैं। और ये एक नेचुरल फिनोमिना भी है, अगर जो इसको ये फिजिक्स नहीं पता है तो क्या वो अपना हाथ नीचे नहीं लाता है ना, ऑब्वियसली लाता है, क्योंकि वो फिजिकल फिनोमिनन है, वो हम करते हैं बाय डिफॉल्ट। बाद में हमने उसको डिस्कवर किया कि हाँ इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो साइंस है, वो ये है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे अंबर पना ही मांगे, कर डाल तू जो फैसला, बिछड़ के वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता।